हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कैसे फाइल करें, वो भी लाइव। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बनी रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को आप उस पर टैक्सेशन से रिलेटेड नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट टू डू बिफोर जीएसटी कैंसिलेशन। सबसे पहला है हमारा 3 मंथ्स निल रिटर्न्स। तो आपको किस कंडीशन में 3 मंथ्स की निल रिटर्न फाइल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपने प्रीवियस मंथ में अपनी इनपुट और आउटपुट दोनों ही शो करके जीएसटी रिटर्न्स को फाइल कर दिया था, यानी कि GSTR 1 को भी और GSTR 3B को भी, ठीक है। अब आप तुरंत ही चाहते हैं कि अपनी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट को फाइल करें, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस है वो एकदम से बंद नहीं होता है। आपने पिछले मंथ अपनी सेल भी दिखाई थी, परचेज भी दिखाई थी, लेकिन आप चाहते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद कि आप अपनी जीएसटी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट को फाइल करें, ठीक है। या तो आपके पास प्रॉपर इसका रीज़न होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जो एसेसिंग ऑफिसर होता है आपके कैंसिलेशन का जो रीज़न है उसको सही लगेगा, तभी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। तो आपको करना क्या है, आपको 3 मंथ्स की निल रिटर्न फाइल करनी है, फिर उसके बाद ही आप अपनी जीएसटी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट फाइल करें, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कैंसिलेशन का। फिर उसके बाद क्लियर ऑल टैक्स लायबिलिटी। तो आपकी जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी है वो क्लियर होनी चाहिए विद डिमांड, यदि डिमांड भी है तो वो भी क्लियर होनी चाहिए। तो आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक टैक्स पेबल निल, यानी कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है तो उसका जो पेबल है वो नील होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है फाइल ऑल GSTR 1 एंड GSTR 3B। तो आप जब भी जीएसटी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट फाइल करते हैं तो उस मंथ से जितनी भी आपकी प्रीवियस की GSTR 1 GSTR 3B वो फाइल होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपने 6 मंथ की या 1 ईयर की या 3 मंथ की अपनी GSTR 1 और 3B फाइल नहीं की है, या आप भूल गए हैं, अब आप चाहते हैं कि आप अपनी जो GST रजिस्ट्रेशन है इसकी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट फाइल करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस भी मंथ आप GST कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर रहे हैं उससे बैक मंथ्स की GSTR 1 और 3B फाइल होनी चाहिए, तभी आप GST कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है GST नोटिस। GST नोटिस से मतलब है आपके जितने भी नोटिस होंगे GST पोर्टल पर वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उनके रिस्पॉन्स फाइल होने चाहिए और ऑर्डर पास होना चाहिए सभी GST नोटिस का, तभी आप GST की कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट को फाइल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पहले से ही GST नोटिस आ रखे हैं और आप उनका रिप्लाई देने की बजाय, ठीक है, आप GST कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर रहे हैं या करा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। GST के नोटिस हैं वो क्लियर होने चाहिए। अब उसके बाद है रीज़न ऑफ कैंसिलेशन GST रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए आपके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, क्योंकि एसेसिंग ऑफिसर जिसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, यानी कि एसेसिंग ऑफिसर को लगना चाहिए कि हाँ ये जो रीज़न है ये ठीक है, तो इसलिए इसका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। अब चलते हैं GST पोर्टल की तरफ, हमें कैसे GST रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फाइल करनी है। तो दोस्तों, हम आ गए GST पोर्टल पर। आपको जाना है सर्विसेज में, सर्विसेज में जाने के बाद आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पर, रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3 पेज आपके सामने आएंगे, बेसिक डिटेल्स,
कैंसिलेशन डिटेल्स और वेरिफिकेशन, ठीक है। तीन प्रोसेस में आपका जो जीएसटी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट है वो फाइल हो जाएगी, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। बाद है एड्रेस फॉर फ्यूचर कोरस्पोंडेंस, तो यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जिससे कि जीएसटी डिपार्टमेंट यदि आवश्यकता पड़े तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। यदि आपने जो एड्रेस जीएसटी पोर्टल में यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब किया था उसमें एड्रेस जो ऐड किया था वही आप रखना चाहते हैं तो इसे आपको क्लिक कर देना एड्रेस सेम एज अबव। अब उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमने बेसिक डिटेल्स वाला जो पेज है वो कंप्लीट कर लिया है और हम आ गए कैंसिलेशन डिटेल्स पर, ठीक है। अब उसके बाद रीज़न फॉर कैंसिलेशन, तो इसमें कुछ रीज़न तो दिए हुए हैं, यदि इन रीज़न को छोड़कर कोई और रीज़न है तो अदर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो रीज़न है वो है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन, यानी कि आपका पहले जो बिजनेस था वो प्रोप्राइटर था, बाद में आपने उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है सीज टू बी लाइबल टू पे टैक्स। फिर उसके बाद है डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपने जो बिजनेस है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है या बिजनेस को क्लोज कर दिया है, तो उस कंडीशन में आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है अदर्स, तो अदर्स मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमेलगमेशन मर्जर डीमर्जर सेल लिस्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इस केस में आपको यही सिलेक्ट करना है। और डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जब प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको ये सिलेक्ट करना है। अब यदि इन रीज़न को छोड़कर कोई अदर रीज़न है तो आपको अदर्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको रीज़न देना है प्रॉपर, और रीज़न ऐसा होना चाहिए जो कि एसेसिंग ऑफिसर उस रीज़न को एक्सेप्ट कर सके। यदि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पर है क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी कि यहाँ पर हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। फिर उसके बाद है डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसिल्ड, ठीक है। तो इसमें डेट डाल देनी है। अब जैसे कि मैं आज की ही डेट डाल देता हूँ। आज क्या डेट है? आज है 13 फरवरी। ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहां पर टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो भी आपका स्टॉक होगा, जो भी आपका स्टॉक बचा है उसकी आपकी जो लायबिलिटी है उसको पे करना होगा, अदरवाइज आपकी जो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड नहीं होगी। तो पहला हमारा इसमें दिया हुआ है इनपुट्स, तो यहां पर वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो वैल्यू डालनी है स्टॉक की। फिर उसके बाद कितना सीजीएसटी टैक्स है, कितना आईजीएसटी टैक्स है, कितना एसजीएसटी टैक्स है, सेज है तो सेज आपको डाल देना है। फिर उसके बाद है इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, यदि कोई आपका ऐसा गुड्स है तो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू आएगी, सीजीएसटी यहाँ पर, आईजीएसटी यहाँ पर और एसजीएसटी यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर इनपुट्स कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर और टैक्स हमारे यहाँ पर आ जाएगा। कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी, यदि कोई ऐसी आपका, यदि आपका कोई ऐसा स्टॉक है तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और आपका सीजीएसटी आईजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, तो अब आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो आप किससे पे करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से या कैश लेजर से, ठीक है, तो वो आपको इसमें डाल देना है। जैसे कि हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, अभी इसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको इस पर टिक मार्क करना है। अब उसके बाद नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, अब आपको यहाँ पर प्रोप्राइटर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है जो कि मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आपको पता होगा सबमिट विद डीएससी, सबमिट विद ईवीसी।
तो डीएससी से यदि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर सकते हैं। यदि आप ईवीसी यानी कि ओटीपी से यदि आप ईवीसी से इसको सबमिट और वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सबमिट विद ईवीसी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको डाल देना है। जैसे ही आप डाल देंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फाइल हो जाएगी। तो इसी प्रकार ही आपको जीएसटी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फाइल करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।